क्या पाक फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलना एजाज नहीं है? एजाज है। क्या DGISI से मिलना एजाज नहीं है? मैंने खुद ये बात नहीं की थी, जब इन्होंने ये बात की तो मैं चैलेंज करता हूं आज फैसलाबाद में कि मौलाना फजलुर रहमान से लेके बिलावल तक सब तन्हाई में मिलते हैं, और आज मैं इल्जाम लगा रहा हूं कि मौलाना फजलुर रहमान भी 1-to-1 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जवेद बाजवा से मुलाकात कर चुके हैं। लोगों को किस बात पे उकसा रहे हैं? मैं आज जिम्मेदारी से कहता हूं, फैसलाबाद में चैलेंज करता हूं, हफ्ते तक टीवी पे आकर मुझे बताया जाए कौन सा लीडर ये कहता है कि वो तन्हाई में नहीं मिलता कमर जवेद बाजवा के साथ। लीडर हो, कोई ऐसे ही थड़पूंजी है ना हो, कोई पार्टी हेड मुझे आके बताए। और ये मुझे इन्होंने चैलेंज किया है, मैं हर शहर में एक लीडर को एक्सपोज करूंगा, हफ्ते के दिन लाहौर में बताऊंगा। ये बातें करते हैं, इन्होंने मजाक बना रखा है, और ये कहते हैं कि हम उस मीटिंग में नहीं जाएंगे। अकेली सीट का लीडर तुम पे इल्जाम लगाता है कि तुम तन्हाइयों में मिलते हो और आवाम को धोखा देते हो, और आज मैं चार शीट करता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान कमर जवेद बाजवा को 1-to-1 उन्होंने मुलाकात की। अगर वो गलत समझे किसी चैनल पे आ जाएं, मैं वहां जाने के लिए और ये बताने के लिए तैयार हूं कि फजलुर रहमान भी 1-to-1 मुलाकात करने वालों में शामिल है। अपोजिशन कहती है नहीं मिले, अब तो वो भी कहते हैं हम मिले। मैं उम्र के हिस्से में झूठ नहीं बोल सकता, तमाम लीडर कमर जावेद बाजवा से 16 की रात को मिले हैं, 9:20 से लेके 12:30 तक, और आज मैंने इल्जाम लगाया कि फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान, उसने भी 1-to-1 मुलाकात की है। एक दफा इनकार करे मैं डेट और जगह बताऊंगा लाहौर हफ्ते के दिन।